मगर याद रखें, यदि इस पृथ्वी पर आप चुने गए हैं, यदि पृथ्वी पर आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर लग चुकी है, तो उस सेवा के लिए तैयार हो जाइए जो स्वर्ग के अंदर परमेश्वर जो है वो कराना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के 7 खंड हैं, जिसमें से हम तीसरे खंड में हैं। परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद से लेकर 14 पद तक के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 15 पद से लेकर 17 पद तक के विषय में सीखेंगे। सबसे पहले हम इन पदों को आपके लिए पढ़ देना चाहते हैं। यहां पर लिखा, आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 15 से 17 तक। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोछ डालेगा। यहां पर जो है परमेश्वर के वचन को आपने सुना। सबसे पहली बात क्या है, यहां पर बात हो रही है कि परमेश्वर के मंदिर की बात हो रही है, कि उसके मंदिर में जो सेवक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। जब मंदिर की बात होती है, जब हम पृथ्वी पर मंदिर की बात करते हैं, तो आप सीधे सीधे इस बात को समझे कि यरूशलम की बात हो रही है, यरूशलम में जो मंदिर परमेश्वर का स्थित है उसकी बात हो रही है। परंतु यहां पर जो है, यहां पर जो स्वर्ग में मंदिर है, जो स्वर्गीय मंदिर है, ये उस मंदिर की बात हो रही है, क्योंकि वहां पर जो सिंहासन की बात, देखिए हम जो है सिंहासन की बात काफी लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। सिंहासन की बात जो है, जिस पर मेमना बैठा हुआ है, मेमना अर्थात यीशु मसीह है, और वो उसके वर्शिप कर रहे हैं वहां पर जो भी लोग हैं, जो भीड़ आपने देखी, जो इजरायली हैं, जो 24 प्राचीन हैं, जो 4 प्राणी हैं, वो सब जो है उस मेमने की अर्थात यीशु मसीह की जो है आराधना कर रहे हैं। तो यहां पर मंदिर का अर्थ जो है वो पवित्र स्थान है, और इजरायली और बड़ी भीड़ जो है उनके उस पवित्र स्थान में मेमने की रात दिन, देखिए रात दिन का मतलब है रात दिन सेवा कर रहे हैं, मगर वहां पर यहां पृथ्वी के अनुसार रात और दिन का वर्णन किया गया है, ताकि पृथ्वी के लोग समझ जाएं कि रात दिन जो है 24 घंटे जो है वहां पर परमेश्वर की आराधना होती रहेगी, वर्शिप होती रहेगी, और वो लोग उसकी सेवा करते रहेंगे। परंतु जब स्वर्ग में जाएंगे, जब परमेश्वर के यहां जाने की बात होगी, तो वहां रात नहीं होगी। तो ये जो है, ये समझाने के तौर पर इस बात को लिखा गया कि रात और दिन, आप ये ना समझ ले कि वहां पर जो है वो रात होगी। यहां तंबू का अर्थ, जैसे तंबू की सेवा करते हैं, तंबू का अर्थ क्या है कि तंबू तानेगा। तंबू तानने का मतलब है कि परमेश्वर का पवित्र स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू तंबू बनाना, तंबू का मंदिर बनाना, तो तंबू का मंदिर बनाने का मतलब क्या था, मकसद क्या था? वहां मकसद था परमेश्वर का कि मैं मनुष्यों के बीच में अपनी उपस्थिति रखना चाहता हूं, मैं मनुष्यों के बीच में अपनी उपस्थिति जो है वो बनाना चाहता हूं। और इसलिए उसने जो था मूसा के द्वारा मूसा को स्वर्गीय मंदिर का नमूना दिखाया कि इसके अनुसार जो है वो तंबू का मंदिर बनाना, और वो तंबू का मंदिर बनाते थे। उस मंदिर की सेवा करने के लिए, रात दिन सेवा करने के लिए वो याजक लोग जो थे वो अलग किए गए थे, और इज़राइल के 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों में से जो लेवी का गोत्र था उनको बिल्कुल अलग किया गया था। वो इज़राइलियों के साथ गिने नहीं जाते थे। उनको जब कनान देश में उन्होंने प्रवेश करा मिस्र की गुलामी से निकलकर, तो लेवी जितने थे उनको कोई भी भूमि नहीं मिली, क्योंकि उनका जो सेवा कार्य था खेती बाड़ी करना नहीं था, बल्कि परमेश्वर की, प्रभु की सेवा करना था, और इसलिए वो रात दिन उसकी सेवा करते थे। और यहां पर इब्रानियों 9 अध्याय
एक से दस तक जब आप पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मगर उसमें जो मेन मेन चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र स्थान में याजक लोग धूप बत्ती जलाने, दीपक जलाने और भेंट की रोटियों के लिए जाते थे तथा महापवित्र स्थान में महायाजक वर्ष में एक बार लहू लेकर जाता था। तो यहां पर जो है, जो याजक लोग हैं वो 24 घंटे महापवित्र स्थान में सेवा करते थे, मगर यहां पर जो इजरायली देखे हैं 144,000 और एक बड़ी भीड़ जो देखी हुई है, बहुत बड़ी भीड़ है, ये रात दिन जो है सेवा कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये लेवी नहीं है, और इसराइल के हर 12 जो गोत्र हैं, हर गोत्र में से 12,000 चुने गए हैं। पिछले संदेश में आपने सीखा होगा कि वो कौन कौन लोग थे जो चुने गए हैं, परंतु यहां पर जो बड़ी भीड़ है, ये बड़ा ध्यान देने की बात है। इसके बारे में पहले मैं आपको एक पद पढ़ देना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है 1 पतरस 2:9। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राज पद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बड़ी भीड़ है, ये जो इज़राइल में से 144,000 जो चुने गए हैं, ये याजकों का समाज है, ये पवित्र लोग हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने इनको चुनकर याजकों का समाज बनाया है, पवित्र लोगों का समाज बनाया है। ये परमेश्वर के निज धन है, निज प्रजा है परमेश्वर की जो है, और ये जो है, ये सब जो है क्या कर रहे हैं, उस महापवित्र स्थान में जो स्वर्ग में है, उस मेमने की रात दिन सेवा कर रहे हैं। उसमें से आप भी हो सकते हैं, क्या पता परमेश्वर ने आपको उस याजकों का समाज बनाने के लिए, पवित्र लोगों का समाज बनाने के लिए, अपनी निज प्रजा बनाने के लिए चुना। मगर याद रखें, यदि इस पृथ्वी पर आप चुने गए हैं, यदि पृथ्वी पर आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर लग चुकी है, तो उस सेवा के लिए तैयार हो जाइए जो स्वर्ग के अंदर परमेश्वर जो है वो कराना चाहता है, अपने पवित्र स्थान में जो है उसकी सेवा जो है करने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए इस पृथ्वी पर उसकी सेवा कार्य को पूरा करें, पवित्र स्थानों के, पवित्र लोगों की, और जो अनाथ बेसारा लोग हैं सबकी सेवा में लगे रहिए, ताकि उस पवित्र स्थान में जो है हमें सेवा का मौका जो है वो मिल सके। यहां है प्रकाशित वाक्य 7:16 को क्या लिखा हुआ है, जो मेन बात है वहां क्या लिखा हुआ है कि वहां पर क्या होगा, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, उनको भूख प्यास नहीं होगी किसी चीज की भी, कि भूख लग रही है कि खाना खा लें, ये खा लें, खाना खाने के बाद नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनकी आंखों में नींद ही नहीं होगी, क्योंकि वहां रात होगी नहीं, और इसलिए वो रात दिन परमेश्वर की सेवा जो है वो करेंगे। और यहां यशाया में लिखा हुआ है, यशाया 49:10 को जरा ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर के यहां जब उस मंदिर की सेवकाई के लिए हम चुने गए हैं, हमें पवित्र किया गया है, हम परमेश्वर की निज प्रजा ठहरे हैं, हम याचकों का समाज परमेश्वर ने बनाया है, तो हम उस वहां जहां हम जाने वाले हैं उस सेवा के लिए, उसके बारे में जरा सुन ले क्या है परमेश्वर का वचन कहता है। यशाया 49:10, वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लू और ना धाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। अब यहां पर कौन है, जब यूहन्ना 10 पढ़ेंगे, यीशु मसीह क्या कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, तो वहां पर एक ही अगुआ होगा और उस अगुआ का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब यहां पर तो बहुत से सेवक हैं, बहुत सी कलीसियाएं हैं, बहुत सी कलीसियाओं के अगुए हैं, बहुत से अगुए हैं, बहुत से चरवाहे जो हैं वो हैं, परंतु वहां पर जो है, जो सेवक लोग भी हैं उनका भी अगुआ जो होगा, उनका भी चरवाहा जो होगा वो यीशु मसीह होगा। और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई धूप नहीं होगी कि बहुत तेज गर्मी हो रही है, तपन महसूस हो रही है, निकलना मुश्किल हो रहा है, लू चल रही है, आंधी चल रही है, कुछ भी वहां ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़े आराम से प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे पवित्र लोग। मगर वो चुने हुए परमेश्वर के लोग होंगे और परमेश्वर जो है उन्हें जो है चुनकर
और अपने पवित्र स्थान में रखेगा वहां पर भूख और प्यास नहीं होगी, मतलब भोजन की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। अब अमोस और 8 अध्याय उसके 11 से 12 पद में क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सेवकाई की बात है, भूख और प्यास की बात है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुन्दर से समुन्दर तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। आज जो है इतना वचन सुनाया जा रहा है, बहुत ताज से वचन जो है बताया जा रहा है। जने कितने सेवक है, जैसे मैंने अभी कहा ना, बहुत से चरवाहे, बहुत से सेवक, बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से प्रचारक जो है वो उठ खड़े हुए हैं, वचन को सुनाया जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि जो प्रभु की भेड़े हैं वो अतृप्त हैं, मतलब उनकी भूख और प्यास मिट नहीं रही है, उस वचन से वो तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, वो कंफ्यूजन जैसी स्थिति है, वो मारे तितारे फिर रहे हैं कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि योना 8:32 में सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्र होना चाहते हैं इस उलझन वाली जिंदगी से। ये जो इतने लोग जो अपनी अपने तरीके से परमेश्वर के वचन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा नहीं ये सही है, कोई कह रहा है ये गलत है वो गलत है। जो परमेश्वर की जो भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह की जो भीड़ है, वो कंफ्यूजन में है, वो तृप्त नहीं हो पा रही है और उनको वचन की भूख और प्यास इतनी लगी हुई है कि वो उसको पाने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। आज की स्थिति यह है और यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज इतना सुनाने के बाद भी वो तृप्त नहीं हो रहे, कारण क्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा, पौलुस कहता है, यहां पर पौलुस जो कहता है, मैं आपको मेन चीज बता रहा हूं, पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। यानी उस समय भी लोग जो है यानी परमेश्वर के वचन में शुरू से मिलावट हो रही है और लोग जो है मिलावट बता रहे हैं, कोई अपनी तरीके से, कोई अपनी, कहते हैं ना नीति वचन 3:5 में लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। लोग अपनी समझ का सहारा लेके परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, सच्चाई क्या है जान नहीं पा रहे। आज भीड़े भटकी हुई है, भूखी और प्यासी है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है 2 तिमोथियों 4 अध्याय और उसका 2 पद से लेकर 5 पद तक, 2 तिमोथियों 4 अध्याय उसका 2 पद से लेकर 5 पद तक, यहां क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। देखिए सुसमाचार के काम को पूरा करना है और अपनी सेवा को क्या करना है, पूरा करना है। लोग जो है कथा कहानी इधर उधर की बातें जो है परमेश्वर के वचन में मिलाकर जो है वो बताएंगे, जिससे कोई फायदा नहीं। और लिखा बहुत से लोग कहते हैं कि अरे साहब मैं तैयार नहीं हूं अभी मैं बोलने के, यानी 20-20, 40-40 वर्ष से सेवकाई, वचन की सेवकाई कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी कहते हैं मैं अभी तैयार नहीं हूं। मगर परमेश्वर कहता है समय और समय कभी हमेशा तैयार रहे और हमें हमेशा तैयार रहना है। और आज जो है आज स्थिति ये हो गई है कि लोग कथा कहानियों पर और जो उनके मन के मुताबिक वचन है वो सुनना पसंद करते हैं और लोग वो ही सुना रहे हैं कि ये हमारी कलीसिया से जुड़े रहें, अपना दान यहां देते रहें, ये भाग नहीं, इसलिए वो कुछ भी सुना रहे हैं। मगर नहीं, अगर गलत है, कोई भी इंसान चाहे कितना पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अगर वो गलत है परमेश्वर के वचन से तो उसे गलत ही कही, सही नहीं कह सकते हैं। मगर आज जो है स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल बदल चुकी हैं और इसलिए परमेश्वर के वचन जो है लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कथा कहानियां हो गई हैं, मुंह देखा वचन जो है वो सुनाया जा रहा। जब उस समय पौलुस के समय जब मिलावट थी तो आज तो बहुत ज्यादा मिलावट हो गई, आज तो वचन देखने को और सुनने को मिलता ही नहीं है, ये स्थिति है। और इसलिए प्रभु की भेड़े जो है वो भटक गई। वो कहता है ना, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी भेड़े भटक गई है।
और यही चीज है। और प्रभु जो है हर एक सेवक से इस बात का बदला जरूर लेगा। मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहां पर लिखा है धर्म के भूखे प्यासे, यानी वो अपनी भूख और प्यास को मिटा रहे हैं सत्य की खोज करके, सही वचन क्या है उसको ग्रहण करके, उसको मानकर। ये नहीं कि जिसने भी जो सुना दिया उसको मान बैठे, या अगर वो उनकी तसल्ली के लिए कोई वचन कह रहा, चाहे वो गलत उनके जीवन में हो, मगर वो तब भी मान रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो ऐसे तृप्त नहीं होते हैं, आपको तृप्त होना है। और फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 7:16 में लिखा है, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी किसी भी प्रकार की, परमेश्वर जब परमेश्वर के राज में होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन से भरे होंगे वो, और परमेश्वर के वचन में वो आनंदित होंगे, वो तृप्त किए गए लोग होंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज उनके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। यहां परमेश्वर कह रहा है, यहां भूख का जो अर्थ है वो वचन से है, और प्यास का जो अर्थ है वो जल अर्थात यीशु मसीह से है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यशाया 55:1-2 पढ़ेंगे, आओ सब प्यासे लोगों जल के पास आओ, है? और वो जल कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो लिखा है ना कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। देखिए भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। भूख का मतलब वचन की भूख है वो, और प्यास का मतलब जल की प्यास है, यानी यीशु मसीह की प्यास है। और प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ कहता है योहन्ना 4 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वे फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वे उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर योना 7:37 में कहता है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, यानी वो जीवन का जल, यीशु मसीह की प्यास, यीशु मसीह की प्यास, वचन, वो यीशु मसीह ही वचन है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन उसके 14वें पद में लिखा है, योना 1:1 पढ़ा मैंने अभी बताया आपको, और 1:14 में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु मसीह, यीशु मसीह ही वचन है। उसी की भूख और उसी की प्यास जो है हमारे जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बिल्कुल सही तरीके से कहता है। फिर प्रकाशित वाक्य 7:17 में लिखा है, मेमना जो सिंहासन के बीच में है उस उनकी रखवाली करेगा। ये जो वचन से तृप्त हैं, जो वचन से भरे हुए लोग हैं, मेमना जो है अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनकी रखवाली करेगा, उनको कोई भी कठिनाइयां जो है उनको नहीं होंगी। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। और जब आप पहला कुरिन्थियों 15:26-28 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जब सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो परमेश्वर के अधीन हो जाएगा, और फिर सब में सिर्फ परमेश्वर ही सर्वोच्च रहेगा, जैसे परमेश्वर आदि में था, सिर्फ परमेश्वर था, सृष्टिकर्ता था, वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है वो फिर से प्रकट हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के रूप में, वही परमेश्वर होगा और उसके अलावा और कोई नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कुलुसिया 1:15 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह आदर्श परमेश्वर का, जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता है उस परमेश्वर का जो है प्रतिरूप है, उस परमेश्वर का जो है वो प्रतिरूप है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। तो इसलिए हमें समझना है कि हमारे सब आंसुओं को जो है प्रभु पोंछ डालेगा। वहां पर जो है स्वर्ग में किसी भी प्रकार का, आंसू का मतलब होता है दुख, किसी भी प्रकार की चिंता कुछ नहीं होगी, हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे, उस स्वर्गीय स्थान की सेवा करेंगे। यहाँ जो आपने बड़ी भीड़ देखी है, यहाँ जो इजरायली लोग देखे, ये सब मिलकर जो है मेमने की क्या कर रहे हैं, मेमने की सेवा कर रहे हैं, उस मंदिर में सेवा काम कर रहे हैं, उस मंदिर में जो है परमेश्वर की आराधना और स्तुति। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के उस सेवकाई के लिए, उस स्वर्गीय सेवकाई के लिए जो प्रभु हमें देने जा रहा है, और इस पृथ्वी पर हम उसकी सेवकाई को, उसकी इच्छा को पूरा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।